कुछ चटपटा खाने का मन हो और हेल्दी भी हो, घर पे ही बन जाए आसानी से, घर के बेसिक चीज़ों से है, तो आप ये वेज रोल की रेसिपी ट्राई कर सकते हो। इसमें मैदे का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले हम वेज रोल का शीट रेडी करेंगे। वैसे तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मैदे का होता है, लेकिन मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ हेल्दी तरीके से। तो आप हो सके तो मार्केट का जो गेहूं का आटा होता है पैकेट वाला, उसको यूज़ करिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो घर का आप चक्की का आटा यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल बारीक वाले छन्नी से छान लीजिए, क्योंकि हमें बिल्कुल पाउडर जैसा आटा चाहिए। आटा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदना है, एकदम कड़ा गूंदना है जितना हो सके। 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, तब तक सब्जियां देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं, प्याज को बड़ी साइज़ में कट किया है, और यहाँ पे 1 गाजर मैंने लिया है और शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सारी सब्जियों को मैंने लंबे साइज़ में कट किया है। आप चाहे तो कद्दूकस में कट कर सकते हैं, या तो आपके पास वेजिटेबल चॉपर है तो आप उसमें कट करिए, क्योंकि उसमें इजी रहता है और चॉपिंग जल्दी हो जाता है, और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बारीक कट होती हैं तो खाने में और अच्छी लगती हैं। और साथ ही थोड़े से लहसुन अदरक का आप चाहे तो पेस्ट डाल लीजिए, या तो कट करके डाल लीजिए। एक बनाएंगे स्लरी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच मैंने मैदे का आटा लिया है और इसे घोल के साइड में रख लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और बिल्कुल कम तेल यूज़ हुआ है इस रेसिपी में, तो 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और बिल्कुल थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और उसके बाद लहसुन अदरक ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए, और हल्का सा इसे हमें सौते करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम अपना प्याज ऐड कर देंगे। सबसे पहले प्याज ही जाएगा, क्योंकि प्याज कच्चा होता है, तो इसे हाई फ्लेम पे 5 से 10 सेकेंड के लिए हम इसे भूनेंगे। इस तरह से हाथों से आप मसल लोगे तो इसके लच्छे इजली निकल जाएंगे। तो बस हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अभी गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि वेज रोल में हमेशा सब्जियां कच्ची जाती हैं, ताकि क्रंच बना रहे सब्जियों का, तो खाने में और अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको हटना नहीं है, हाई फ्लेम पे इसे चलाते रहिएगा। उसके बाद हम ऐड कर देंगे लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने अपने वीडियो में बता रखी है, अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। वैसे मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ये आप बना के रखिए चटनी, आपको हर रेसिपी में काम आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सूखी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे स्वादानुसार नमक। इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट से थोड़ा सा कम ही जाएगा, क्योंकि हम सोया सॉस आगे यूज़ करेंगे जिसमें नमक होता है। तो आप नमक डालते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा और चलाते रहेंगे इसे हाई फ्लेम पे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो 10 से 15 मिनट में हमारी सब्जियां आराम से कुक हो जाएंगी और इनका क्रंचपन भी बना रहेगा। तो अभी हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस आप इस रेसिपी में ज़रूर ऐड करना, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा, कंपलसरी है, ये आपको डालना ही डालना है। तो बस हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 सेकंड के लिए भूनेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो सब्जियां देखिए कुक हो चुकी हैं, ये सारी सब्जियां बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। और चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच मैं कैचअप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे अगर इस तरह से बनाओगे तो। बस 1 से 2 सेकंड के लिए ही चलाएंगे इसे, तो बिल्कुल भी पानी नहीं है सब्जियों में, देखिए। तो अभी हम इसे तुरंत एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए
और तब तक हमारी सब्जियां सॉफ्ट भी हो जाएं। हो सके तो आप किसी चलनी में या होल नुमा कोई बर्तन हो तो आप उसमें डालिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी छोड़े ये सब्ज़ी तो निकल जाए। तो बस अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम अपना आटा देख लेते हैं। तो 15 मिनट के लिए मैंने रखा था आटा को, आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन हम इसे 3 से 4 बार और अच्छे से हाथों से मारेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आटा आप जितना अच्छा लगाओगे उतना अच्छा आपका वेज रोल बनने वाला है, और इस तरह से आप बना के देखना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने मैदे का यूज़ किया है या गेहूं के आटे का। तो अभी हम इसे चकले पे थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे। मैंने आधा आटा लिया है और इसे हाथों से प्रेस करके इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। और अगर आप मार्केट के आटे का यूज़ करते हो तो और भी अच्छा रोल बनता है, तो आप ट्राई करना। अगर घर का है तो किसी कपड़े से चाल लेना या तो बारीक नुमा छलनी से। तो इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, आप जितना छोटी पूड़ी बनाते हो प्लेन वाली उतनी ही छोटी। तो बस सूखा आटा लगा के हम इसके रोटियां बेल लेंगे। रोटी आप जितना बारीक हो सके उतना बारीक बेलिए, और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के हम सारी रोटियों को बना के रेडी कर लेंगे। इधर सब्जियां भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो देखिए एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है प्लेट में, तो इस तरह से आप रख लेना। अभी हम चलते हैं लोहे के तवे पे। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है, गरम हमारा तवा मीडियम टू हाई फ्लेम पे रहेगा, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है रोटी को। देखिए मैं किस तरह से पलट पलट रही हूँ, रुकना बिल्कुल नहीं है, पलटते पलटते इसे बस हल्का सा इसमें खिंचाव सा आ जाएगा अगर आप इस तरह से इसे कर दोगे तो। तो रोटी के जैसा नहीं पकाना है, और बबल्स भी ना पड़े रोटी पे, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर बाय चांस पड़ गया है तो हम आगे बताएंगे कैसे यूज़ करना है। इस तरह से सारी रोटियों को बना लेंगे, और जिसमें हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है या बबल्स पड़ गए हैं वो वाला पोर्शन हम ऊपर की साइड रखेंगे, और जो बिल्कुल प्लेन है उसे हम अंदर रखेंगे, उसमें हम अपना फिलिंग ऐड करेंगे। आप ये वेज रोल दो टाइप से बना सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइप है कि इधर साइड साइड से हम अपना स्लरी को लगा देंगे, हल्का हल्का ही लगाना है फिंगर से, ज़्यादा नहीं लगाना है नहीं तो कच्चा लगेगा। तो आप स्लरी या तो मैदे के आटे से बना लेना या तो अरारोट पाउडर से। देखिए इस तरह से एक बना सकते हो आप। तो आपको इन दोनों में से जो भी ईजी लगे आप उस टाइप से बना लीजिए, दोनों ही सही है। और जो एक्स्ट्रा निकला है हम उसे दबा देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो उसमें ऑयल ना जाए। तो फर्स्ट मेथड है, और सेकंड मेथड आप सबसे पहले स्लरी लगा लीजिए कोनों में, अगर आप और हेल्दी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप फिलिंग के साथ पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी हम अपना फिलिंग ऐड कर देते हैं। सेकंड मेथड आप इस तरह से इसे फोल्ड कर सकते हो, ये बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा। और जो ऊपर वाला है पोर्शन उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ दबाएंगे ताकि जब भी फ्राई हो तो अंदर तेल ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसी तरह से सारे वेज रोल को हम बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। तो देखा ना कितना बनाना आसान है, आपने कौन सा मेथड से बनाया बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो अभी सब बन के रेडी है और आप इसे फ्राई कर लीजिए। देखा ना फ्रेंड्स बनाना कितना आसान है। आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करिएगा क्रिस्पी होने तक, चाहे तो आप इसे एयर फ्रायर या अवन में भी इसे फ्राई कर सकते हो। मेरे गले में बहुत दर्द है, खांसी भी हुआ है, तो थोड़ा आवाज़ आपको डिफरेंट लग रहा है, आप इग्नोर करना। तो बस इस तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना झटपट ये हेल्दी वेज रोल घर पे ही आसानी से आप बना सकते हो। यकीन मानिए टेस्ट में बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। जितना बनाना आसान है खाने में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करना।
तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।